पास बुला लिया, जवाब दिया बहन चली जा। और जाकर के मेरी छोटी बहन को बड़े सम्मान के साथ डोला से नीचे उतरने के लिए कहना, और बड़े सम्मान के साथ बुला करके महलों में लेके आ। उसी समय दासी चली, देर नहीं लगाई, जवाब दिया है दोनों हाथ जोड़ करके। जवाब दिया बहन ऐसा करो, डोला से कदम नीचे रखो, महलों में चलो, क्योंकि आपकी बड़ी बहन आपका महलों में इंतजार कर रही है। जो इतनी बात सुनी सुरची कहने लगी, दासी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है क्या? कौन बड़ी बहन, किसका नाम लेने लग गई तू? मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। जवाब दिया फिर चिल्ला काहे को रही है? महाराज उत्तानपाद की जो बड़ी विभाता पत्नी है सुनी, अब तुम्हारी बहन नहीं हुई तो कौन हुई बता। जवाब दिया इसका मतलब ये है कि घर में एक पत्नी पहले से है। तो जवाब दो तुम का जानती है, मैं तो महाराज तुम्हारी वैसे ही घूमत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर घर में एक पत्नी है तो मैं कदम डोला से नीचे नहीं दूंगी। कहां है मेरे महाराज, उन्हें बुलाओ तो बातें उनसे भी करनी है। जवाब दिया कोई बात नहीं। उसी समय भागी, भाग करके दासी ने उत्तानपाद को भेज दिया। उत्तानपाद जब पास में आए हैं तो सुनीत कहने लगी, एक बात कही है महाराज, जब एक पत्नी थी घर पे तो काय को गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे, क्यों बर्बाद किया, काय को नरक बना दिया तुमने हमारी जिंदगी को। अब बोल काय को नहीं रहे हो, बोलो ना। हमें व्यर्थ क्यों लाए हो,
में थी तो काहे को गए हमारे पिताजी के दरवाजे, काहे को बर्बाद किया मेरी जिंदगी को। अब बोलो ना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मानो। डोला को वापिस भिजवा दो, तुम स्वाद के संग विहार करो, हम तो पीहर में फटवा दो। बताया है भक्त जनों, नतीजा ये हो गया महाराज उत्तानपाद जो बात कर रहे थे, और तब तक दासी ने सुनीत से कह दिया तो महलों से बाहर निकल आई और दोनों हाथ जोड़े, बहन डोला में कब तक बैठी रहोगी, डोला से कदम नीचे रखो और महलों में चलो। जवाब दिया महाराज के, यही है जिसने कहकर के शादी कराई है, तो इसका चेहरा बता रहा है कि इसे एक दासी की जरूरत थी और इसीलिए मेरे साथ में शादी कराई है। अगर तुझे दासी की जरूरत थी तो हमसे कहती, एक नहीं 10-20 दासियां तेरे दरवाजे पे भिजवा देती पिताजी से कहकर, फिर तूने मेरी जिंदगी को काय को बर्बाद कर दिया। सुनीत कहने लगी, बहन ऐसा तो कुछ विचार नहीं है मेरा, विचार तो ये है मेरे उधर से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ और इसीलिए मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी कराई है। अब तेरे घर में बच्चे होंगे, उसे देख करके महाराज खुश रहेंगे और मैं तो महाराज को देख करके ही प्रसन्न बनी रहूंगा। बस जवाब दिया, और सुन तेरे बच्चे हो जाएंगे उन्हें खिलाती रहूंगी मैं। और जो ये बात सुनी, जवाब दिया महाराज अभी घर में घुस नहीं पाई, इसकी नजर बच्चों पर पहुंच गई। जब इसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया तो ये क्या जाने कि माँ की ममता क्या होती है। सोचो कि जिसने ना चाखी छाछ कभी वो दूध मलाई, जाके नहीं गई होए पाई बीमारी नीर पराई क्या जाने। जिसने ना की गुरु की संगत को ज्ञान लड़ाई क्या जाने, बेटे की ममता माँ जाने एक बाझल आई क्या जाने। बिल्कुल नहीं लगाऊंगी जिसमें कांटे आते हैं, अगर ये घर में है तो मैं कदम नहीं दूंगी, अगर मुझे अंदर ले जाना है तो मेरी एक बात सुनो। बोली अरे हम तब उतरे डोला से पहले
और जो ये बात सुनी तो जवाब दिया है, बहन तुम ये कह रही हो कि मैंने तुझे दासी बना करके यहाँ बुलाया है, तो ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। तुम दूल्हा से कदम नीचे रखो, महलों में चलो, दासी मैं बन जाऊंगी तेरी। सहेली, डोला वापस नहीं होना चाहिए। अगर डोला वापस गया तो फिर मैं जिंदा नहीं बचूंगी। बोली, अरे लाली बन के रह सकती हूँ, लेकिन डोला वापस नहीं होना चाहिए। तो सुरुचि कहने लगी, अगर रहने का इतना ही शौक है, मुझे रखने का भी शौक है, तो कोई बात नहीं, रहेगी, लेकिन इन महलों में नहीं। महाराज, इसके लिए एक झोपड़ी डलवा खेतों पे, उसी में एक चाकी रखवा, एक शेर जो मिलेंगे उन्हीं को पीस करके रोटियां बना करके खाएगी, नमक के साथ में सब्जी, वो भी नहीं मिले। और इतने पे रहना चाहती है तो रह सकती है, और कहीं और जाना चाहती है तो चली जा, फिर मैं तुझे रोकूंगी नहीं, क्योंकि तू मेरे कोई खानदान की थोड़ा है। उसी समय सुमित कहने लगी, महाराज अगर ये इसी शर्त पे रहना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। महलों से निकल करके जब चली है सुमित, उत्तानपाद रोने लगे तो जवाब दिया, रो काहे को रहे हो तुम, तुम्हें ये नहीं पता है कि जो भी होता है उसके पीछे विधि का कोई न कोई, विधि की कोई न कोई योजना जरूर होती है। ये जो हो रहा है ये मेरे कर्मों में लिखा है, तो उसे तो भोगना है, रो नहीं। जो सौती मेरी कहती है उसमें नहीं हम कोई उजर, एक शेर पति जो बहुत है मैं पताई में कर लूं गुजर। क्यों रो रहे हो पति तेरे, ये तो हमारो भाग है, एक बांस दे दो हाथ में खेतों में डालू चली जाऊंगी, खेतों पर चली जाऊंगी, लेकिन जाने के बाद
जाने के बाद मेरी इस छोटी बहन को कभी कोई कष्ट कोई तकलीफ मत देना, क्योंकि ये तुम्हारे बच्चों को जन्म देगी जिससे तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। और इतना कहने के बाद सुनीत बड़ी सुरची कहने लगी, महाराज ये जा रही है, अब आप कान खोल करके सुनो, आज से ये रानी नहीं बल्कि एक दासी है। और दासी दासी फिर भी अच्छी है जो महलों में रहेंगी, ये तो बाहर जा रही है, आज के बाद कभी इससे तुम मिलने नहीं जाओगे। बोले नहीं जाएंगे। बोले ऐसे नहीं, पहले मेरी कसम खाओ तब मानूंगी। फिर महाराज ने कसम भी खाई और फिर जब चली गई, फिर बड़ी खुशी के साथ में सुरची महलों में चली गई। धीरे धीरे सुखदेव जी समझाते हैं कि महलों में सुरची रह रही है उत्तानपाद के साथ, लेकिन एक दो दिन एक दो महीना एक दो वर्ष नहीं कई वर्ष व्यतीत हो गई, किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। तो उधर सुनीत सोचती है, परमेश्वर समझ में यही नहीं आता है कि हमारी किस्मत में ये दुख ये खत्म काहे को नहीं हो रहे। पति की दूसरी शादी कराई, खुद कष्ट झेले, घर में संतान हो जाएगी, महाराज उसे देख के खुश रहेंगे और हम महाराज को खुश देख करके खुश बने रहेंगे, लेकिन वो दिन मेरी किस्मत में नहीं है शायद। और जिस स्त्री का पति दुखी हो उस स्त्री की कोई जिंदगी नहीं होती है, तो ऐसे जीवन से तो मरना है तो बड़ा तो सही है। और यही सोच करके उसी झोपड़ी से निकल करके चली आत्महत्या करने के लिए। सोचती जा रही है, परमेश्वर क्या दिन देखने को मिले, कभी पति को बिना पूछे घर से कदम बाहर नहीं दिया और आज मरने का इतना बड़ा फैसला पति को बिना पूछे कर रही हूँ, लेकिन और कर भी क्या सकती हूँ, यही तो मेरी व्यवस्था है। रोती जा रही है कि बोए याद पिया तेरी आई रही जा रही है। बीहड़ वन में जब पहुंच गई तो उसी समय महात्मा नारद ने आवाज लगाई खड़ी हो जाओ, महात्मा नारद की जब आवाज सुनी है तो उसी समय सुनीत खड़ी हो गई है। देखा है कि पीछे एक महात्मा जी खड़े हैं और जैसे ही नारद ने देखा है तो जवाब दिया, कौन हो तुम और कहां से आई हो? पता नहीं है कि यहां से आगे बीहड़ बन है, आगे कहां भाग रही हो? जवाब दिया है, बाबा जी हमारा नाम सुनीत है, मैं अयोध्या से आई हूँ, महाराज उत्तानपाद की पत्नी है। और जो इतनी बात सुनी कि उत्तानपाद की पत्नी और रात्रि के समय जंगल में, क्यों कोई कष्ट है या कोई मुसीबत है तो तुम हमें बताओ। जवाब दिया है भगवान, ऐसा लगता है कि विधाता ने दुनिया के सारे दुख हमारी झोली में डाल दिए। मतलब ये है, सबसे बड़ा दुख सबसे पहला दुख तो इस बात का है कि मेरे उधर से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। दूसरा दुख ये है, मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी कराई कि हमारी सौत के उधर से ही कोई बच्चा जन्म लेगा, लेकिन वो भी सुख नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो ये है, वर्ष व्यतीत हो गई, पति के दर्शन तक नहीं हुए, तो ऐसे जीवन से तो मर जाए तो ही भला।
कि क्या खबरी थी हमें, एक बेटा बिना और जीवन धूलिए हमारा हो जाएगा। क्या खबरी थी हमें, पति की बाहें छुट गई, तीसरा दुख किस्मत कहां ले गई, इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या खबरी थी जवाब दिया है महाराज, सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, और जिस स्त्री का पति दुखी है उस स्त्री की कोई जिंदगी नहीं है, और इसीलिए मैं मरने के लिए आई हूं। और जो ये बात सुनी तो नारद कहने लगे, सुनी तो एक बात बताओ, अगर तुम मर जाओगी, अगर मर जाओगी तो क्या तुम्हें पुत्र मिल जाएगा? मेरी बात मानो, घर के लिए लौट जाओ, और तुम्हारे घर में फिर एक ऐसा लड़का पैदा होगा, ऐसा लड़का पैदा होगा जिसका तीनों लोकों में नाम रहेगा। जवाब दिया है, आज तक तो हम ये जानते थे कि ये महात्मा और ये संत जो होते हैं कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज पता चला है कि ये महात्मा बड़ा लंबा झूठ बोलते हैं। भाई तुम ये कह रहे हो कि घर में संतान होगी, लेकिन कैसे? एक बात बताए भगवान, सामने जवाब दिया है भगवान, तुम कह रहे हो कि घर में संतान होगी, लेकिन कैसे? वर्ष व्यतीत हो गई है, पति के दर्शन तक नहीं हुए। और ये बात जब सुनी तो नारद कहने लगे हैं, सुनीत, संत की कही हुई बात का विश्वास रखो, वापस चली जाओ, अगर तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं हो तो फिर आना, फिर मर जाना, फिर मैं तुम्हें रोकने नहीं आऊंगा। और इतना कहने के बाद जब इतनी विश्वास भरी बात सुनी है तो सुनीत वापस चलने लगी। एक बात और कही है, जवाब दिया सुनीत, तुम्हारे घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उस लड़के का नाम तुम ध्रुव रख लेना।
और यही सुनकर के वापस चली आई, आकर के उसी झोपड़ी में लेट गई। लेट गई लेकिन नींद नहीं आई, बुद्धि में केवल एक ही बात, परमेश्वर वो दिन कौन सा होगा जब जरा सा बच्चा हमारी गोद में खेलेगा। अरे लेट गई जब जाई रात भर के लेट गई। और जब लेट गई और उसी समय नारद की बात मान करके सुनी थी वापस लौट आए, आकर के उसी झोपड़ी में लेट गई लेकिन नींद नहीं आई, केवल कई बात सोच रही है, परमेश्वर वो दिन कौन सा होगा जब जरा सा बच्चा हमारी गोद में खेलेगा। और धीरे 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 नतीजा ये हो गया, एक दिन सुखदेव जी समझाते हैं महाराज वो तानपाद अश्व पे सवार होकर के जो वन में शिकार खेलने के लिए गए, सिपाहियों को साथ लेकर के गए, लेकिन उसी वन में महाराज को रात हो गई और रात्रि के समय जब लौट करके आए हैं तो आवाज लगाते रहे दरवाजे पे, सुरजी अरे दरवाजा खोलो सुरजी, आवाज लगाते रहे लेकिन दरवाजा नहीं खोला। अब खोले कैसे, क्योंकि जो रानी थी वो रानी जो थी अरे सुख नींद सोई गई रानी, अरे सुख नींद सोई गई रानी, हर राजा की सुनी गई वाणी, दरवाजा खोलो, सुरची ने दरवाजा नहीं खोला, फिर
फिर सुनीत की याद आई तो जवाब दिया कोई बात नहीं, सो गई सो जाओ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आज हम वहां जाएंगे जहां हमारी दूसरी पत्नी है। घोड़ा लेकर के उधर चल दिए और जैसे ही घोड़े के पैरों की आवाज सुनी तो ऐसा लग रहा था कि वो रानी पहले से ही महाराज का इंतजार कर रही थी। बाहर निकल के चली आई और जवाब दिया महाराज आज इधर कैसे चले आए तुम, सारी बात बताई है सुनीत, वन में शिकार खेलने के लिए गए थे और जब शिकार खेलने गए दरवाजे पे आवाज भी लगाई लेकिन सुरुचि सो रही थी, फिर हम तुम्हारे पास में चले आए। जवाब दिया ये तो बड़ा अच्छा किया जो तुम इधर चले आए, मेरी भी आंखें तरस गई थी तुम्हें बिना देखे जो काफी समय हो गया ना। आंगन में बैठे एक बात कही है सुनीत, बहुत भूख लगी है थोड़ा भोजन मिलेगा, तो सुनीत कहने लगी भगवान भोजन कहाँ है, जो कि रोटियों के कुछ टुकड़े पड़े होंगे वो तुम खा नहीं पाओगे। बोले तुम कैसे खाती हो जब तुम रोज खा सकती हो, क्या एक दिन हम नहीं खा पाएंगे। जवाब दिया है भगवान मेरी तो आदत बन गई है, तुम सुंदर भोजन करने वाले हो जो कि रोटियों के टुकड़े तुम नमक से खा नहीं पाओगे। उत्तान पाद ने एक बात कही सुनीत, शायद तुम ये नहीं जानती हो कि भूख में ये देखा ही नहीं जाता है कि भोजन कैसा है, बस पेट भर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ये शरीर जो बनाया है हमारा, इस शरीर में कोई कैसी भी कमी नहीं है, बिल्कुल भी, मनुष्य का शरीर बनाया है, इस शरीर में कोई कमी नहीं है, बड़ा ही सुंदर बहुत सुंदर शरीर बनाया है भगवान ने, खुद गौर करके देखो, कान दो बनाए, नेत्र दो बनाए, यानी देखो और सुनो ज्यादा, मुंह एक बनाया बोले बोलो कम, और नाक सामने बनाए और जाएगा पीठ पे होती तो बड़ी मुसीबत होती है, मतलब कोई कमी नहीं है। फिर समझ में एक बात आती है कि कमी एक हो गई, क्या कमी हो गई, क्योंकि ये पेट बना दिया, अगर ये पेट नहीं होता तो शायद कुछ नहीं होता फिर तो, हम काय को चिल्लाते आराम चादर ओढ़ के सोते। जिसकी कोई सीमा नहीं, तुमने देखा होगा हाथ टूट जाए कोई मतलब नहीं, दूसरे के हाथ से खाओ चाहे कुछ भी करो लेकिन ऐसे मारो, पैर टूट जाए बिल्कुल मन चलो एक जगह बैठ जाओ लेकिन ऐसे मारो, आंखें नहीं है कोई जरूरत नहीं है लेकिन ऐसे मारो, कुछ भी हो जाए भरो ऐसे, थोड़ा भी खाली रह जाए नींद नहीं आती है रात में, अगर इसमें दर्द होने लगे तो भोजन अच्छा नहीं लगता, हाथ पेट पे जाते पैरों से चला नहीं जाता, आंखों से अश्रु आते, कानों को किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, यानी इसकी सबको चिंता है इसे किसी की कोई फिक्र नहीं है, बड़ा स्वार्थी है ये। दूसरी बात यह है कि यह कभी भरता नहीं है, दूसरी कमी है कभी नहीं भरता है, कितना भी सम्मान हो जाए कितना भी प्राणी धनवान हो जाए लेकिन यह नहीं भरेगा, थोड़ी देर के लिए भर जाता है रोटी से और बाद में फिर खा ले, कोई क्रोध करे कि हम तुझे भर के छोड़ेंगे फिर भी नहीं भर पाएगा,
रोटी से जरूर भर जाता है, जो रोटी खुद नाच नाच करके बड़ी होती है वो इंसान को नाचना चाह रही है। तुमने देखा होगा तए पे होए फ्री नाचे और चूल्हे में होए फ्री नाचे, यानी जो रोटी खुद नाच करके बड़ी होती है वो इंसान को नाच नचाए पड़ी है। हर काम वो करता है रोटी के लिए जो समाज में रह के नहीं भी करना चाहिए। झूठ बोलता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, केवल यही सोचता है कि दो वक्त की रोटी ने ढंग से मिले, बस इससे अलावा तो कुछ नहीं है। कि दीवाना आदमी को हर बनाती है रोटियां, विक्रम अरे खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। खुद नाचती है सब को नचाती है वो। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए और पंचायत अन्यायी है रोटी के लिए, बारी बूढ़े को बिहाई है रोटी के लिए, सासु बहू में लड़ाई है रोटी। नाचती है सब को नचाती है रोटियां, अरे खुद नाचती है सब को नचाती है रोटियां। यानी उत्तानपाद ने बताया है कि जब भूख लगी होती है तो ये नहीं देखा जाता है कि भोजन कैसा है, बस पेट भर जाना चाहिए। और इतनी बात कही तो जौ की रोटियों के टुकड़े खाए, नमक के साथ में तो आंखों से अश्रु बहने लगे, पत्नी ने अपने पति के आंसू पोंछ दिए, महाराज रो नहीं। उत्तानपाद कहते हैं हमने कितनी बार तुमसे मना किया था दूसरी शादी नहीं कराओ, देख लिया इसे कहते हैं सौत। सुनीत कहती है भगवान ये सब कर्मों का खेल है, कोई हमें कष्ट नहीं देता है, हमारे ही कर्म दूसरे से हमें कष्ट दिलवाते हैं, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है। सारी रात रुके हैं, सुखदेव समझाते हैं, उसी दिन बड़ी रानी गर्भ धारण करती हैं और सुबेरा नहीं हो पाया, उससे पहले एक बात कही, जवाब दिया है ऐसा करो सुनीते अब घर पे चलना है, क्योंकि अगर सुरची जग गई फिर वो कलेश करेगी। है घोड़े पे सवार हुए और घोड़ा लेकर के जैसे ही पहुंचे दरवाजे पे तो क्या देखा है कि सुरची पहले से दरवाजे पे बैठी, आवाज लगाई महाराज भाई खड़े हो जाओ और हमें यह बताओ कि तुम सारी रात कहां रहे। उत्तानपाद चुपचाप खड़े हैं, अरे मैंने तुमसे यह पूछा कि तुम सारी रात कहां रहे, अब बोल काहे को नहीं रहे हो। उत्तानपाद चुपचाप खड़े हैं तो सुरची बोली अब तुम नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है मैं बताऊंगी तुम कहां रहे। बोली सुनो कि तुम रात सुन घर रहे जान गिर लई धमकाई, अब बात न की करियो याद कसम मेरी खाई। उस दिन मेरी कसम खाई थी और भूल गए, वैसे बड़ा जल्दी भूल गए। अरे
और जैसे ही सुरजी को क्रोध में देखा है महाराज, सोचने लगे अब क्या करें। एक बात बताएं, जब देवियां जोर से चिल्लाएं तो बेचारे भाई अंदर ही कब जाते। मैं सही बता रहा हूं, इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि तुम थोड़ा कम बोला करो, नहीं तो किसी दिन बेचारे राम नाम से तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। मन में सोचने लगे अब क्या करें, और फिर बनावटी नाराज हुए। जवाब दिया सुरजी, जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात। एक रानी को तूने दासी बना दिया और महलों से निकाल के खेतों पे पहुंचा दिया, फिर भी तेरे मन में तसल्ली नहीं आती, तो फिर ऐसा करे एक दिन हमारी तलवार ले जाओ, जाकर उसे मार काहे को नहीं देती। अब जब देखो तब उसी की बात। महाराज थोड़े से गर्म भय तो फिर भी बर्फ से ज्यादा ठंडी हो गई। जाको मतलब तुम्हें गए ना, अगर गए होते तो इतना क्रोध नहीं करते, और तो फिर जाना मत ये बता रहे हो तुम्हें। फिर तो सम्मान भी किया, अरे छिड़िया ना छिड़िया ना चली लिवाई, पत्थर कलाई पति अपने की, सोया जन दिले बेकारी हाथ जोड़े महारानी बोले, जवाब दिया है महाराज अगर कोई हमसे भूल से भी भूल हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और उसी समय सुखदेव जी कहते हैं कि छोटी रानी भी गर्भ धारण करती हैं, धीरे 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 अब तो घर में दोनों पत्नियां गर्भवती हैं, एक ही राजा की दो पत्नियां लेकिन दोनों गर्भवती हैं, अंतर दोनों में है। कैसा अंतर, एक ने किया गर्भा धारण उस दिन से पलक न छोड़ा है, और एक ने बराबर प्रसव तलक खेतों से अनाज बटोरा है। छोटी रानी उतना ही काम करती है, बड़ी रानी उतना काम करती है जितना कि वो पहले करती थी, और छोटी रानी ने जिस दिन से गर्भ धारण किया खटिया से पांव धत्ती बनाया था, दासियां सेवा में लगी, कोई सर दबा रही है तो कोई पैर दबा रही है, कहू दासी को जगह ना मिली बदासी, दासी को दबा लगी ड्यूटी पूरी कर रही है। उसी समय दोनों से जब बच्चे पैदा हुए तो उन बच्चों में भी अंतर। एक राजकुमार कहलाए के पलने में पाला जाता है, और एक दुखिया को लाल सुलाइवे को पत्तों पर डाला जाता है। बड़ी रानी के बच्चे को कोई देखने भी नहीं गया, छोटी रानी के घर में जब बच्चे का जन्म हुआ आंगन में बधाई बज रही है, दान लुटाया जा रहा है, स्त्रियां गीत गा रही हैं, कितना अंतर। एक ही राजा के दो पुत्र, उन दोनों में अंतर। एक कभी ये कहते हैं कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, ये किस्मत है अपनी अपनी, क्योंकि दो डाली किस्मत अपनी अपनी, एक डाली
यज्ञ में संविधा के काम में आती है तो दूसरी शमशान में मुर्दा जलाती है। नच का कोई दोष नहीं है, अपनी अपनी किस्मत है। एक पत्थर के दो टुकड़े और किस्मत जुदा जुदा है। एक बने शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी में लगा है। किस्मत होती है। कभी कभी बच्चों में मनमुटाव आ जाता है, मतभेद हो जाते हैं कि माँ बाप हमें कम मानते हैं, मेरे भाई को ज्यादा मानते हैं और इसीलिए वो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। तो ऐसा नहीं होता है, माँ बाप हमेशा। अब आप सोचो, अपने नेत्रों में कोई भेदभाव कर सकता है क्या? और इसी तरीका से बच्चे भी माँ बाप के लिए नेत्रों से कम नहीं होते, कोई कम कोई ज्यादा नहीं होता है। कोई अपने स्वभाव के कारण थोड़ा ज्यादा प्रेम पा लेता है, कोई अपने स्वभाव के कारण थोड़ा कम प्रेम पा पाता है। तो ये अपनी अपनी किस्मत है। और ये हमारी इच्छा है, आज चलो पिताजी के दरबार में चलेंगे। और पिताजी के दरबार के लिए चले, महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही देखा, अपने बड़े पुत्र ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। और जब गोद में बिठा लिया, नतीजा यह हुआ, सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसी भीड़ में एक चुगिल इंसान बैठा था, नीच बुद्धि वाला। चुगिला चूकतु है नहीं, बुगाई कहे चाहे रोई, और घर घर फूट कराई दे यो करे एक से दो। चुगिल इंसान होते उनकी आदत में सुधार नहीं आता है, चाहे आप कुछ भी करो, मतलब आदत है ना। वो चुगिल इंसान, उसे वो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो दरबार से चुपचाप उठ गया, जाकर के सुरची के पास में पहुंच गया। आवाज लगाई, महारानी बोलो। अब क्या बोले, भाई तुम्हारा कोई अब सम्मान है नहीं, कौन कह रहा है तुझसे? हैं? तुझे ये नहीं पता है कि मेरे कहने से महाराज ने बड़ी रानी को महलों से निकाल दिया है, खेतों पे पहुंचा दिया, और तू कह रहा है कि मेरा सम्मान ही नहीं है? जवाब दिया, उसी रानी का बच्चा महाराज की गोद में बैठा है, और तुम्हारे तुम्हारे पुत्र को गोद में कोई स्थान नहीं, वो जमीन पर खड़ा है, ये सम्मान है क्या? सम्मान है भाई? ऐसा सम्मान हमसे देखा नहीं गया, इसलिए हम तो धीरे से उठे आए। जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ये तू झूठ बोलता है। नौकर कहने लगा, है मेरी आदत है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तुम खुद जा करके देखो, फिर हसिया दूर है कि पड़ोसी की नाक, जाओ। और जैसे ही गई, क्या देखा है कि उस चुगिल इंसान की बात बिल्कुल सच है। महाराज महाराज की गोद में धुरो उत्तम जमीन पर, जाते ही जाते गाल पे एक तमाचा दिया, कमीन तेरी ऐसी किस्मत कहां है कि तुझे राजा की गोद बैठने के लिए मिले है? और अब की बार इधर देखना लिया तो तेरी आंखें उछ लूंगी। उत्तानपाद, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं आया, किसे काय को मार रही है, इसका दोष क्या है? सुरुचि कहने लगी है, लाला पूर्व में जो तूने थोड़ा भी भजन किया होता, अरे ता
मौसम के बदले तूने वायु तम के बदले तूने मेरी कोठी से जन्म लिया होता वायु तम के बदले तूने से जन्म लिया हो जवाब दिया है तूने भजन नहीं किया। अगर भजन करता तब इस गद्दी का अधिकारी होता। और ये बात हमारी समझ में ये आया कि मतलब ये बात तो सही कही। हर किसी की किस्मत नहीं होती है कि बड़े घर में बड़े परिवार में जन्म मिल जाए। बहुत सारी दौलत का जन्म लेते ही अधिकारी बन जाए, ऐसी हर किसी की किस्मत नहीं है। तुमने अक्सर देखा होगा जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं उनके घर में संतान भी कम होती है, है? और जहां घुटना ना है पूछे तुम्हें लाइन लगी है। हाँ तो मेरा मतलब है ध्रुव रोते 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 अपनी माँ के पास में गए हैं और जैसे ही ध्रुव को रोता हुआ देखा है तो एकदम से अपने हृदय से लगा लिया है। सुनीत ने जवाब दिया मेरे लाल कहाँ चले गए थे तुम, कहाँ चले गए थे तुम, किसने मारा है तुझे ध्रुव जल्दी बता दे नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे मेरे लाल। अरे वो गरीबी बात है धरो किसने मारा है तुम्हें तो जवाब दिया है भैया हम तो जा भी नहीं रहे थे उत्तम भैया अपने साथ हमें लेकर के गया पिताजी के दरबार में और जैसे ही पिताजी ने हमें देखा तो भाग के हमें गोद में बिठा लिया। उत्तम भैया जमीन पे था फिर न जाने मौसी कहां से आ गई, मौसी ने आके हमारे गाल पे तमाचा मार दिया। बोले ही धरो बबुला ने मैया कोई गोद मेरी ने पकड़ी We'll be right back.
दिया है लाला। मौसी के मारने से तुम ऐसे रो रहे हो थोरो? अरे नहीं जानते हो कि मौसी में और माँ में तो कोई अंतर भी नहीं होता है? जवाब दिया मैया, मौसी के मारने का दुख नहीं है, दुख तो केवल इस बात का है कि मौसी हमें मारती रही, पिताजी ने एक शब्द भी नहीं कहा कि इसे काय को मार रही है, इसका दोष क्या है? तो जवाब दिया लाला, अगर वो तुम्हारे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तुम्हारे पिता होते तब तो कुछ कहते। जवाब दिया मैया, वो मेरे पिता नहीं है। बोले हाँ तुम्हारे पिता नहीं है, पर मेरा पिता कौन है? उत्तम भैया रोजाना अपने पिता की गोद में बैठता है, मुझे मेरे पिता की बहुत याद आती है, माँ मेरे पिता कौन है? जो ये बात सुनी तो जवाब दिया लाला, तुम्हारे पिता भगवान है, तुम्हारे पिता ईश्वर है, और तुम्हारे ही नहीं बल्कि वो संसार के पिता है। बेटा जब तुम थोड़े बड़े हो जाओ तो वन में जाना, तब तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट होगी। ये बताया है ध्रुव। कहने लगे मैया तुम झूठ कहती हो, अगर पिता हर जगह होते तो मौसी जहां आकर के मार रही थी वहां आके हमें बचा भी लेते। सच बताओ मैया, पिताजी कहां रहते? अरे मैया पूछे तो बताइए, मोई पिता कहां पाऊं? और किस ठर बसे भगवान री वही से ढूंढ के लाऊं? कहती है लाला तू सुन बेटा ना दाना, तोई नहीं ज्ञान भेद बतलाऊं, कड़ कड़ में प्रभु तेरे बसे हाल समझाऊं। लाला उनके लिए तो कोई जगह खाली नहीं है, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओ वन में जाना, उनके नाम की तपस्या करना, माला जपना, तब वो तुम्हारे सामने आएंगे। कड़ कड़ में बबुल तेरा रमे गाओ है, कड़ कड़ में, कड़ कड़ में पिता तेरा रमे गाओ है, कड़ कड़ में। जाना वन में भजन करना भगवान का, तब आएंगे उनकी गोद में बैठना। और जो ये बात सुनी तो जवाब दिया मैया, मैं तो बड़ा हो गया हूं, आज ही जाऊंगा, क्योंकि उत्तम भैया रोजाना अपने पिता की गोद में बैठता है, मुझे मेरे पिता की बड़ी याद आती है। माँ सोचने लगी ये बड़ा हटीला है, इसे हमने क्या बता दिया? जवाब दिया है लाला, सुबह से तुमने भोजन नहीं खाया है, और तुमने भोजन नहीं खाया है ध्रुव, इसलिए हमने भी नहीं खाया है, ऐसा करो भोजन खा लो। ध्रुव कहने लगे मैया भोजन की बात कर रही हो, खाना खाने की बात कर रही हो? अरे तुम घर में खाने की बात छोड़ो, अब तो हम पानी तक नहीं पिएंगे।
और जो ये बात सुनी सोई रोने लगी। सुनीत ध्रुव कहते हैं मैया रोया नहीं, क्योंकि सूरवीरों की माएं रोया नहीं करती हैं, आशीर्वाद दिया करती हैं। और भाई तुम भी करो रोया नहीं कि दे मैया अज्ञा हमें मत ढरका देती। चले गए और उसी जगह रोती रह गई सुनीत। सुनीत रोती रह गई, ध्रुव बन के लिए चले गए। उत्तानपाद को जब मालूम पड़ा है कि घर से निकल गए ध्रुव, सोचने लगे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को सुंदर भोजन नहीं मिला और इसीलिए वन में जा रहा है। तो जवाब दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाकर के ध्रुव को रोका, आज से उसे और उसकी माँ को सुंदर भोजन दिया जाएगा, वो वन में नहीं जाए। सिपाहियों को रोका है तो सिपाहियों ने जवाब दिया है ध्रुव भाई तुम ऐसा करो वन में नहीं जाओ, अब तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को सुंदर भोजन मिलेगा। ध्रुव सोचने लगे बारे प्रभु तुम्हारे नाम से दो कदम निकल पाए हैं, सुंदर भोजन तो मिलने लगा। कोई बात नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, हमें उनका भोजन नहीं चाहिए, हम तो जाएंगे तो उनके भगवान के पास जाएंगे, उनकी गोद में बैठेंगे। सिपाहियों ने लौट करके उत्तानपाद से कहा है कि महाराज ध्रुव तो लौट नहीं रहे हैं। तो उत्तानपाद ने फिर आधा राज दान में देने के लिए कह दिया, हम आधा राज ध्रुव को देंगे और आधा राज उत्तम को देंगे। जाओ वापस करो ध्रुव को। और जब वापस की बात कही तो सिपाहियों ने फिर ध्रुव को रोका, भाई ध्रुव रुक जाओ, अब तो तुम्हें तुम्हारा अधिकार भी मिल रहा है, तुम्हें आधा राज तक मिलता है, अब तो मत जाओ। ध्रुव फिर नहीं माने, आधा राज मिलने लगा, अगर तुम्हारे दर्शन होंगे फिर क्या नहीं होगा, यही सोच करके ध्रुव आगे बढ़े। तो उत्तानपाद ने खुद रास्ता रोकी, जवाब दिया है मेरे लाल तुम वन में नहीं जाओ, तुम हमारे बड़े पुत्र हो, तुम पूरी अयोध्या का राज तुम्हें देंगे। और जो ये बात सुनी तो ध्रुव ने जवाब दिया, आप हो कौन ये बताओ। बोले हम तुम्हारे पिता हैं। बोले मेरे पिता नहीं हो तुम, मेरे पिता वन में रहते हैं ऐसा हमारी माँ ने बताया है। सज्जनों
ऐसे वचन सुनकर के महाराज उत्तानपाद बड़े दुखी हुए और कहा है मेरे लाल बन में नहीं जाओ। अरे बन की लाता जवाब दिया है लाला ध्रुव वन में नहीं जा। और जब वन में जाने से मना किया है लेकिन ध्रुव नहीं माने, आगे के लिए बढ़ गए, फिर उत्तानपाद भी पीछे लौटे आए। अब नहीं मान रहे तो क्या करें। आगे बढ़े हैं, जब ये जंगल में पहुंचे हैं तो नारद से भेंट हो गई। नारद ने आवाज लगाई, ए कहां जा रहे हो, खड़े हो जाओ। और उसी समय ध्रुव की ये बात, ध्रुव ने जैसे ही आवाज सुनी तो खड़े हो गए। नारद सामने पहुंचे, कहां से आए हो, कहां भागते हुए जा रहे हो, वन में पता नहीं है, यहां से आगे बढ़ोगे बड़े बड़े जीवधारी रहते हैं, किसी के पेट में चले जाओगे। और क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव तुम्हारी माँ का नाम क्या है? बोले माँ का नाम सुनीत है। और सुनीत जब नाम सुना तो मन में विचार करने लगे, इसी की माँ एक दिन वन में मरने आई थी। ये इतना बड़ा हो गया? कोई बात नहीं मेरे लाल, घर पे लौट जाओ। अगर तुम यहाँ से आगे बढ़े किसी जीव के पेट में चले जाओगे, तुम्हारी माँ रो रो करके मर जाएगी। समझ रहे हो? हम नहीं रोएंगे, रोएगी तुम्हारी माँ जो घर पे बैठी है। जवाब दिया, बाबा जी तुम कैसे महात्मा हो, अब मुझे बाबा तो लगते नहीं हो। बोले महात्मा नहीं लग रहा हूं, फिर क्या तुम्हें ढोंगी लगता हूं? बोले लगता तो ऐसा ही है मुझे, क्योंकि जब महात्मा होते वो मौत से डरते नहीं हो, तुम तो खुद भी डर रहे हो, हमें भी डरा। और तुम कैसे महात्मा हो जो तुम मौत से खुद डर रहे हो, हमें डरा रहे हो? अरे मौत तो आनी है ना एक दिन, तो फिर डरना क्या है? बाबा जी एक बात बताओ कि तुम मौत से रहे डराए और तुम संतन पूरे
जब पिता हमारे पार ब्रह्म तो फिर इतना कि न मैं तब जो हम दे जवाब दिया है तुम्हें पता नहीं है इसी जंगल में हमारे पिताजी रहते हैं। वो आएंगे उस जीव को मार देंगे हमें बचा लेंगे। और नारद ने जब ये बात सुनी कि भगवान के प्रति इतना विश्वास है तो जवाब दिया है लाला तुमने अपना कोई गुरु बनाया है। बोले बाबा जी ये गुरु क्या होता है भाई है? जवाब दिया है बेटा बिना गुरु के जीवन का कल्याण नहीं है। जीवन में गुरु बहुत जरूरी होता है। हम तुम तो इंसान है अगर भगवान भी मृत्यु लोक में आते हैं तो वो भी गुरु बनाते हैं। गुरु बहुत जरूरी है। गुरु वह लोक का नाता है जो चेला को राह सिखाता है और जिस चेला का गुरु ही ना हो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु बहुत जरूरी है। तो बोले इतना जरूरी गुरु है तो ऐसा करो बाबा जी आप ही हमारे गुरु बनो। नारद बोले अब जो बोले भाई कुत्ती खोले। बोले वो बात नहीं है। अब आप सोचो हम यहाँ से जाएं अब तब कहीं जा करके गुरु ढूंढे और तब गुरु बनाए तब फिर आए तो मतलब क्या है? आप मिल गए हमें वैसे अच्छे लग रहे हो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। कोई बात नहीं। फिर नारद ही गुरु बने। द्वादश मंत्र दिया बेटे इस मंत्र का जाप करना। भगवान तुम्हारे सामने आए फिर तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? बोले बता काय के चार भुजाएं होंगी भगवान की शंख चक्र गदा उनके हाथ में होगा सूर्य की तरह चेहरा दमकता हुआ होगा। और भगवान की जब पहचान बताई है यमुना के किनारे ले जा करके बड़ी सुंदर सी कुटिया भी बनाई नारद ने। कैसी है वो कुटी? ध्रुव की सुंदर परण कुटी और यमुना तट पे दिखला बड़े बड़े सुंदर वृक्ष खड़े हैं उन पर बेल लपटी हुई है क्यारियों में फुलबारी है फुलबारी पे फूल है फूलों पे भंवरा किलोले कर रहे हैं कोयल गीत गा रही है झरना झर रहे हैं बड़ा सुंदर कुटिया।
बनाई और वहां से फिर नारद चले गए। और नारद जब चले गए तो ध्रुव ने पहला आसन लगाया, जो 5 दिन के बाद में नेत्र खुले। 5 दिन के बाद नेत्र खुले, क्या देखा है कि यमुना में स्नान किया। स्नान करने के बाद में फल खाए, जल पिया और ध्रुव फिर से बैठे। दूसरा आसन ध्रुव ने 25 दिन का लगाया। 25 दिन के बाद में जब नेत्र खुले तो क्या देखा है, 25 दिन के बाद में नेत्र खुले, स्नान किया, फल पड़े हैं, उन्हें नहीं खाया, केवल जल पिया और ध्रुव फिर से बैठ गए। तीसरा आसन ध्रुव ने 5 महीने का लगाया। 5 महीने के बाद में जब नेत्र खुले तो स्नान किया, फल नहीं खाए, जल को भी नहीं पिया और ध्रुव बैठे नहीं बल्कि खड़े हो गए। दोनों भुजाओं को ऊपर कर दिया, सीधे पैर के अंगूठे पे प्राण वायु को लेना रोक दिया और जैसे ही ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया, आहा, कोहराम मच गया। सागर में उबाल आ गया, शेषनाग मुंह से झाग छोड़ने लगे और जैसे ही नारद ने देखा, नारद के लिए भगवान ने आवाज लगाई, नारद और उसी समय महात्मा नारद पास में पहुंच गए। भगवान ने पूछ लिया, क्या बात है नारद भाई, ये सृष्टि से पहले ये सृष्टि सृजन नहीं हो पाया है, उससे पहले ये प्रलय कैसी नजर में आ रही है। जवाब दिया है प्रभु, तुम्हें पता नहीं है, ध्रुव नाम का बच्चा 6 महीना तपस्या करते करते हो गए और तुम हो जो दर्शन देने नहीं गए, और दर्शन देने नहीं गए हो तो प्रलय तो आएगी ना। और जो इतनी बात सुनी तो पल मात्र में ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और ध्रुव के सामने जाकर के प्रकट हुए। आवाज लगाई, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली और ध्रुव ने आंखें जैसे ना खोली, जो छवि भगवान की बताई थी नारद ने, 4 भुजाएं होंगी, सूर्य की तरह चेहरा दमकता हुआ होगा, उसी कल्पना वाले चित्र को अपने हृदय में बसाए हुए थे ध्रुव, उसी प्रतिबिंब को जैसे ही अपनी माया से खींचा है। ध्रुव जमीन पर गिरने वाले थे लेकिन भगवान ने अपने भक्त को गोद में ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बड़े प्रसन्न हुए हैं भगवान। और जैसे ही नेत्र खुले हैं तो वही चेहरा है जैसी नारद ने कल्पना की थी, विशाल 4 भुजाओं में ध्रुव गोद में बैठे हैं, देखते रहे चेहरा की तरफ, देखते रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में नेत्रों से आंसू बहने लगे। वो प्रेमाश्रु देखे हैं भगवान, बोले बेटा रो काहे को रहे हो। बोले रो तो इसलिए रहे हैं कि तुम खबर तो लेते हो प्रभु, लेकिन बहुत देर में मेरी माँ कितना कष्ट सहन कर रही है, कभी उसके पास में नहीं जाते हो तो।
उस दिन मौसी भी हमें मारती रही, वहां भी बचाने नहीं आए। तो भगवान बोले, बेटा अगर उस दिन हम आते तो आज तुम यहां नहीं आते। अब हम तुमसे प्रसन्न हैं तो ही वरदान मांगो। और जब वरदान के लिए कहा है तो दोनों हाथ जोड़े, प्रभु अब क्या मांगे। जब मैंने समुद्र को पा लिया तो नदियां तालाब कुएं ये सब मांगने से फायदा क्या है। वैसे भगवान से मांगना नहीं चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, भगवान से मांगते हैं, नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? मांग करके हम अपनी नजर में भगवान को छोटा बना देते हैं। ऐसे मांगते हैं जैसे कि भगवान को पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, वो क्या नहीं जानते। अगर मांगना है तो भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो ना। कहते हैं कि दरबार हजारों देखे हैं पर प्रभु सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं ओ दरबार हजारों देखे हैं पर प्रभु सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे जवाब दिया है भगवान से मत मांगो। अगर मांगना है तो भगवान को ही मांगो। और भाई बात ध्रुव ने कही कि जब मैंने आपको पा लिया तो फिर कुछ पाने को शेष रह ही नहीं गया है। ऐसे थे सतयुगी भक्त। वैसे अंतर है कलयुगी भक्त में और सतयुगी भक्त में, बहुत बड़ा अंतर है। एक बार ऐसा हुआ, कोई वक्ता कथा कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भगवान ब्रह्मा जी इतने दयालु हैं, इतने जो भक्तों की छोटी छोटी तपस्याओं पे मन चाहे वरदान देते हैं। तो एक भक्त रहे, उन्हें सोची चलो देखते हैं ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे। पुष्कर में चले गए क्योंकि पुष्कर में ही एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, और वहीं जाकर के तपस्या की। एक नहीं, दो नहीं, तीन महीना तक तपस्या की। और जैसे ही तीन महीना पूर्ण हुए तो ब्रह्मा जी उनके सामने पहुंच गए। ब्रह्मा जी सामने आए हैं तो जवाब दिया है, कोई वरदान मांगो तुम हमसे। और जैसे ही नेत्र